This is the country which is an arsonist disguising itself as a firefighter. Pakistan nurtures terrorists in their backyard in the hope that they will only harm their neighbors. स्नेहा दुबे ने यूएन की बैठक में पाकिस्तान को लगाई फटकार। स्नेहा दुबे एक नाम जो कि 25 सितंबर यानी कि कल से हर एक सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक और न्यूज़ चैनलों पर छाया हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम वसीम अकरम, आप देख रहे हैं ज्ञानकोश। यूएन की बैठक में स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान को ऐसी फटकार लगाई जिसकी सभी लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। दरअसल यूएन बोले तो संयुक्त राष्ट्र की बैठक में पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के मुद्दों को लेकर गलत बातें कही गईं और पीएम इमरान खान ने कहा कि कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है और यहां के पीएम मुसलमानों के खिलाफ डर का माहौल बना रहे हैं। स्नेहा दुबे ने पाकिस्तान की इस बात पर और आतंकवाद को पनाह देने पर जवाब देते हुए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। स्नेहा दुबे ने कहा, यह कोई पहला अवसर नहीं होगा जब पाकिस्तान ने हमारे देश को बदनाम कराने के लिए यूएन जैसी बड़ी बैठक की मदद ना ली हो। इनके खुद के यहाँ अल्पसंख्यक जातियों को इतना दबा के रखा जाता है और उस पर ये नहीं कहते। और स्नेहा यह भी कहती हैं कि आतंकवाद का सपोर्ट करना पाकिस्तान का पुराना इतिहास रहा है जो किसी से छुपा नहीं है। स्नेहा ने इस बात को इतने साहस के साथ कहा कि सभी भारतीय इस पर काफ़ी खुश हुए और लोगों ने सोशल मीडिया पर स्नेहा दुबे का ट्रेंड चलाते हुए स्नेहा की जमकर तारीफ की। आपको बता दें, स्नेहा दुबे 2012 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस की परीक्षा पास कर ली थी और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रुचि होने की वजह से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री में नियुक्त हुई। 2014 में उन्होंने भारतीय दूतावास मैड्रिड में थर्ड सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया और वर्तमान में वह यूनाइटेड असेंबली में भारत की प्रथम सेक्रेटरी का नेतृत्व कर रही हैं। स्नेहा ने जेएनयू से एमए में पोस्ट ग्रेजुएट किया है और इसके बाद आईएएस क्लियर कर वह अपने परिवार की पहली सिविल ऑफिसर बनी। पूरा देश स्नेहा दुबे के इस साहस पर गर्व महसूस कर रहा है। आपको हमारी यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। इस प्रकार की वायरल एवं दिलचस्प खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल ज्ञानकोश को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें।